इंडिया और आइए आगे की खबरों से रूबरू होते हैं। मैनपुरी के पेवर के ग्राम दौलतपुर में बताया जा रहा है कि पिछले 8 महीनों से राशन में कटौती ग्राम वासियों के साथ हो रही है और हद इस बात की हो गई है कि राशन कार्ड के फॉर्म अभी तक जमा नहीं किए गए हैं और हर बार 3 महीने का समय दिया जाता है। मैनपुरी से नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। कितने दिनों से मिला आपको? 8 महीना हो गए राशन मैंने 2000 रुपए हमसे लिए हैं जी। और क्या 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 मतलब किस किस चीज़ का पूरा बताइए, विवरण क्या है? हर महीने आप कहते हैं अगले महीने पर आना, उस महीने पर फिर कहते हैं अगले महीने पर आना। इसके अलावा कोई दिक्कत? और दिक्कत राशन तोड़ के नहीं देते। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आएगी कि 3 महीना हो गया, हर महीना बात आएंगे या कह देते हैं कि कहीं दिसंबर में आई हो कहीं जनवरी में आई हो। आप कितने दिनों से मतलब ये लेके आ रही हैं? 5 महीने कागज। 3 महीने से आ रही। 3 महीने सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। क्या दिक्कत है? ये राशन कार्ड को बने हुए 7.5 महीने हो चुके हैं और चाहे इन्होंने बोला था 3 महीने बाद आना आपको राशन कार्ड मिलेगा, पूरा राशन मिलेगा फुल, वो भी ये तौल के नहीं देते हैं। एक थोड़ा सा कटोरा ले लिया उसमें नाप के दे देते हैं है? और उसके बाद ना तो ये कोई कार्रवाई करते हैं ना कोई, जैसे रजिस्टर होता है उस पर अगर नाम भी आता है डिटेल्स जो होती है ना ये चेक करते हैं किसी की। हर महीने कहते हैं जो भी आता है गार्जियन उससे यही कहते हैं आज नहीं कल आना, और आज जब आज की डेट है तो कल क्यों हम आए। जौनपुर में इनाम जाफरी जो काव्य सृजनकार हैं, वो कहानियां वो काव्य की रचना करते हैं। हमारे फास्ट न्यूज की टीम ने उनसे बात किया तो उन्होंने अपने वृतांत से अवगत कराया। जौनपुर से विनय गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए इमाम जाफरी जी एक बहुत सुयोग्य ये शायर और कवि हैं, तो बहुत सी रचनाएं इन्होंने की हैं, बड़े सुंदर रचनाकार हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनके ही जुबानी अपने दर्शकों से रूबरू कराते हैं शायरी और कविताओं के बारे में। हाँ तो भाई साहब आप अपना पूरा परिचय बताएं। सर सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा अपने श्रोता बंधुओं का, फिर मैं अपना परिचय देना चाहूँगा जी। कि मेरा नाम हसन इमाम जाफरी है, सन आप स्वर्गीय अस्करी रहता, मैं चुनार चौक बाजार मोची टोला का निवासी हूँ जी। और मैं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से पास हुआ हूँ और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जी। तो ये बताएं कि आप ये कविताएं कब से लिखते हैं? कविता लिखने का शौक मुझे विगत 16-17 सालों से। अच्छा, अब तक कितनी आपने शेरो शायरी और कविताएं लिख डाली? शेरो शायरी तो का संग्रह तो मेरे पास 18-20 ही होगा, लेकिन कविताएं मेरे पास 35, 36 या 40 के एबव होगी। बट कुछ अधूरे किस्से कहानियां भी हैं जी, जिसपे भी लेखनी चल रही है, जैसे कि मैं इस समय लिख रहा हूँ स्वच्छता मिशन, शौचालय, बाबा इज्जत घर। तो हमेशा छत पे ही लिखते हैं कि और भी कहीं अपना एकांतवास? नहीं, चुनार में एक अस्थाई जगह है चुनार बलुआ, जब चुनार आप पहुंचेंगे गंगेश्वर नाथ डाक के या गंगा पार से पक्के पुल से चुनार आएंगे जी। और चुनार का क्रॉस करने के बाद विंध्याचल या बनारस के लिए नेशनल हाईवे 7 पे जाएंगे तो जी। उसके मोड़ पड़ता किले का, चुनार किले का, ऐतिहासिक किले का मुख्य द्वार, उसके नीचे सीढ़ी से उतरेंगे तो उसके बाद शिलाखंड पे लिखा हुआ है साहित्य संत धाम, जिसके गंगा जी किनारे। हाँ, जिसके ऑर्गेनाइजर पप्पू बाबा हैं। यह दरअसल पांडे बेचन शर्मा उग्र चुनार के बहुत बड़े रचनाकार थे और चुनारी लाल के
और नीलम जी की पुण्य स्मृति में मिला हुआ है, हम लोगों को अनुदान है लाइब्रेरी। अच्छा अच्छा। और साहित्य संत धाम जो कि गंगा बैंक ऑफ गंगास पे है, वहाँ नहाना धोना खाना पीना इत्यादि सभी लोग करते हैं, सार्वजनिक होने के साथ साथ व्यक्तिगत साहित्यकारों के लिए। तो अधिकांश रचनाएं हमने वहीं लिखी है, गंगा जी किनारे किला के पास में। अच्छा ये बताएं, अब इस समय क्या लिख रहे थे? इस समय मैं लिख रहा था, वन मिनट, नोटबंदी आई जी। लगी हुई मंडी में बिक रही महंगाई, ऊपर से यह विडंबना, नोटबंदी आई लगी हुई बैंकों में लंबी लाइन जी, लगी हुई बैंकों में लंबी लाइन, खड़े कतारबद्ध तबीयत उठनाई, नोटबंदी आई लगी हुई मंडी में बिक रही महंगाई, ऊपर से यह विडंबना, नोटबंदी आई। मैं यह कहूँगा कि अभी लिख ही रहा हूँ तो अधूरी है, खड़े कतारबद्ध तबीयत उफनाई, यह कैसी आफत आई। नोटबंदी आई मेरे समझ में यह आया, लग रहा है मर गया जी। ब्रांच मैनेजर का भाई जी, या पैसों का, नोटों का सगा भाई। मेरे समझ में यह आया, लग रहा है मर गया, ब्रांच मैनेजर का भाई, या पैसों का, नोटों का सगा भाई। नोटबंदी आई अरे इधर क्या देख रहे प्यारे, देखो उधर जी। उस बुढ़िया बेचारी को थोड़ी ही देर में हार्ट अटैक आई, उसे भी करनी थी अपनी बेटी की सगाई। यह कैसी आफत आई अब थोड़ी थोड़ी मेरे समझ में यह आई कि यह शायद नोटबंदी आई, इसीलिए तो हसन के सामने खड़ी थी यह बेचारी माई। क्या बात है अभी आप फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन। अभी आप इमाम जाफरी साहब से कविता सुन रहे थे, ये अभी रचना कर रहे थे, ताज़ा रचना। तो आइए, मैं विनय गुप्ता अकेला फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार। प्रयागराज के प्रयाग संगीत समिति में लक्ष्मीबाई जन सेवा समिति के तरफ से नारी सशक्तिकरण एवं विभिन्न नृत्य शैली पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल CMO अमल वर्मा जी, प्रोफेसर विमला व्यास, BJP महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष माया द्विवेदी, मनोज सिंह के द्वारा सर्टिफिकेट और चिन्ह देकर सबको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर नीता साहू जी ने बताया कि लड़का हो या लड़की, सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए। प्रयागराज से महानारायण पांडे की रिपोर्ट। मैडम, आज यहाँ पर कार्यक्रम के क्या उद्देश्य है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? आज यहाँ पर बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम के अलावा नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे लिए जरूरी है कि आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को अपने में एक आत्मसम्मान, पढ़ाई लिखाई और सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जी जी। चाहे वो आप फाइनेंशियली हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपके पास सब कुछ रहेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं और आगे नया जनरेशन, एक नया भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए नारी सशक्तिकरण बहुत अच्छा चीज़ है और हम उसके बहुत बड़े फॉलोअर फैन हैं, क्योंकि मैं खुद एक नारी हूँ और मैं MD की हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और हम लोग 5 बहनें डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी बहुत हम लड़कियों को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा लड़कियों को प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़ो, बेटी को बचाया, बेटियों को पढ़ाया। तो आप अपने बच्चों को, बेटी भी है बेटा भी, सबको बराबर से पढ़ाइए और उसको एक खुला आसमान दीजिए। अगर बच्चा आपका पढ़ाई के अलावा और भी किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, खेल में, डांस में, म्यूज़िक में, स्पोर्ट्स में, आजकल तो लड़कियां पायलट भी बन रही हैं कंप्यूटर में, तो बच्चों को खुला आसमान दीजिए, उसको ज़बरदस्ती मत पढ़ाइए और जो अच्छा लगे उसको करने दीजिए और उसको प्रोत्साहित करिए कि आप एक समाज में अच्छा
मिसाल प्रस्तुत करें। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर नीता साहू MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट बेली हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट ब्लड बैंक इंचार्ज इलाहाबाद। झारखंड के देवघर के विद्यापति चौक पर विद्यापति की प्रतिमा का अनावरण नगर निगम की मेयर रीता खवाड़े के द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद पूर्व कृष्ण नंद झा, पूर्व मेयर राज नारायण खवाड़े, वार्ड परिषद कन्हैया झा, डिप्टी मेयर नीतू देवी आदि उपस्थित रहे। झारखंड से अजीत संतोषी की भक्त का स्थान यहाँ पर सबके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक, थैंक यू मैम। खबरों का सिलसिला आगे ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।